हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ये आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी, मैम आ रही है आवाज? अच्छा, बाकी सब कहाँ पे हैं? ग्रुप में मैसेज करो कि सब लोग ज्वाइन करें, मेरा लेक्चर पढ़ाना है आज। मैं 5 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ, सब लोगों को कहो कि ज्वाइन करें अपना लेक्चर। जी बच्चों, बाकी सब कहाँ पे हैं? आप लोगों का कोई पेपर है क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है? बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ यस मैम। जी, तो बोलना क्यों नहीं जरूरी समझते? अपने ग्रुप में मैसेज किया है कि ज्वाइन करें अपना लेक्चर? यस मैम किया मैसेज।
पेपर कैसे हुआ था आप लोगों का? मैम मिड के अंदर कुछ एमसीक्यूज थे, वो हमारे फर्स्ट 6 लेक्चर्स में से थे जो हमारे सिलेबस नहीं था। बेटा वो आप लोगों की जनरल चीजें थी, अब आपने हर लेक्चर में पढ़ा हुआ है प्यू रेंज, ठीक है, अब वो आउट ऑफ सिलेबस किस तरह से हो गया? आपने हर लेक्चर में आरएनए पढ़ाया, आपने हर लेक्चर में डीएनए और जी डीएनए भी हमने बाद में कहीं जिक्र किया था, आई रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो आप लोगों की ये सारी चीजें आप लोगों के इसी सिलेबस में थी। आप लोगों के एक एमसीक्यू का जरूर मसला था, ठीक है, जो सोमेटिक जीन सेल जीन वाला था, उसमें दो ऑप्शंस करेक्ट थे, एक तो हेरिटेबल वाला और एक जो है आप लोगों का था वो एंड वाला जीन्स और उसमें। तो उसमें उन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन लगाई है, बी लगाया किसी ने, ये डी लगाया, उन दोनों का मैंने सही किया, उस एमसीक्यू का जरूर मसला था, बाकी किसी एमसीक्यू का कोई मसला नहीं था, ठीक है। और आप लोगों के मैंने पेपर चेक किए थे, हाँ सेक्शन सी के ही चेक किए हैं, थोड़े से रह गए थे और बहुत बुरे मार्क्स आए आप लोग, बहुत गिने चुने लोग थोड़े से हैं जो जिन्होंने 30 क्रॉस किया है, बाकी सब लोग आई डोंट नो व्हाई आप लोगों ने पेपर पढ़ के नहीं लिया, आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा सब्जेक्ट कि आप लोगों के साथ क्या मसला चल रहा है। आप लोगों का क्विज भी ऐसा ही था, आप सबको पता होगा एवरेज मार्क्स सबके 14 एवरेज थे, और मिड्स में भी जो है मोस्टली लोगों के जो है 20 क्रॉस किए किसी ने, या फिर 20 से कम भी है, और बस ऐसे मार्क्स है, मतलब एवरेज जो है 25 मार्क्स है एवरेज। हाँ जी, क्या मसला है आप लोगों के साथ, आप लोग मुझे बताओगे? समझ नहीं आ रहा, या पढ़ा ही नहीं था ये सब्जेक्ट? लेकिन मैम हम लोगों ने 7 to 17 अच्छे तरीके से किए थे, तो 1 to 7 तो रिवाइज नहीं किए थे, तो काफी 10 to 11 एमसीक्यू थे जो पहले 6 लेक्चर्स में से थे। कोई 10 11 नहीं है जो फर्स्ट एमसीक्यू थे। मैं आप लोगों का पेपर रिव्यू कराऊंगी, मैं उसमें सारी चीजें डिस्कस करूंगी, और आप लोगों को इसके साथ ये भी बताऊंगी कि ये किस सब्जेक्ट में से आता, किस लेक्चर में है 7 to 17 में। आप लोगों ने डायरेक्ट 10 to 11 जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी से बना दिए। मैं नहीं मैम वो देखे थे आके स्लाइड से मैंने, तो इसलिए। भी आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर, ओके मैम, ऐसा कुछ नहीं था कि 10 to 11 आप लोगों ने डायरेक्ट जो है टीचर पे वो इल्जाम लगा दिया कि जी आप लोगों आपकी वजह से हम गलत हुए। भाई आप लोगों ने पढ़ा क्या है, आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा नहीं था क्या? अगर 7 to 17 में से भी आपने अच्छा किया है तो उसमें से भी बहुत सारे बच्चों के जो है वो ऐसे मार्क्स है कि 7 मार्क्स है, लोएस्ट मार्क्स 7। अब वो बच्चा किस पे इल्जाम देगा कि जी उसने क्या टीचर ने गलत लगा दिया, जी ये हो गया तो वो क्या? भाई आप लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, हर कोई गलतियां करता है। मैंने जो गलती की है उस पेपर में एक एमसीक्यू में, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, और मैंने उसमें से जो भी आपने सही ऑप्शन में किसी ने भी लगाया बी या डी तो मैंने सही कर दिया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और गलत नहीं था उसमें। और बाकी जो है आप लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करोगे तो नेक्स्ट आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। अगर यही कहते रहे जी हमारे 10 12 या 15 मतलब 20 ही बाहर आउट ऑफ सिलेबस थे, तो फिर आप लोग आगे क्या करोगे? अभी आप लोगों के पास 65% रह गए बस, आप लोगों ये एक असाइनमेंट है और एक वाइवा और एक आपकी मेजर रिटन एग्जाम है। तो अगर इसी तरह से, क्योंकि जो क्विज था वो भी बहुत सारे मतलब एवरेज मार्क्स थे 10 11 12 15, और क्विज में भी आप लोगों के ही पेपर अभी मैंने चेक किए हैं सी सेक्शन के, तो उसमें भी 25 एवरेज है, और काइंडली इसको इतना सा पढ़ लो कि आप लोग इसको क्लियर कर पाओ, इधर उधर की बातों में जाने के बजाय अगर आप लोग उसमें पढ़ लो तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है?
जी अगर आप लोगों को ये आज मैं आप लोगों के लेक्चर पढ़ाती हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे लेक्चर वो टॉपिक्स बताओगे जो टॉपिक्स आप लोगों को मुश्किल बहुत मुश्किल लग रहे हैं, या जो भी आप लोगों को लग रहा है कि वो आप लोग सही पढ़ नहीं पा रहे हैं, या आप लोगों को वो सही समझ नहीं आए, तो मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी सारे टॉपिक्स। आप लोग मुझे अपने जो है ग्रुप सारे में डिस्कस करके टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और आई विल रिवाइज दैट टॉपिक्स, ताकि आप लोगों के अगर कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों को जो समझ नहीं आया, तो हम उसको दोबारा से रिपीट कर लें, कि आप लोगों के जो मेजर आगे असेसमेंट्स आने वाली हैं उसमें आप लोगों को मसला ना हो। मैं तो यही कर सकती हूँ कि आप लोगों को एक चीज बार बार पढ़ा दूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें चली जाएं, लेकिन ये तभी जाएगा बच्चों जब आप लोग उसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ोगे। आई नो आप लोगों का ये इंटरेस्ट नहीं होगा मॉलिक्यूलर में, क्योंकि आप लोगों की फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का जो है सब्जेक्ट जो है ना, आप लोगों ने सब इसको क्लियर करना जरूरी है, तो आप लोग काइंडली इसको इस लेवल तक पढ़ लो, ताकि आप लोग इसको क्लियर कर सको। हाँ जी, आप लोगों को समझ नहीं आ रहे टॉपिक्स या क्या मसला है? हाँ जी बच्चों, आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। मैम समझ आ रही है, सारा कुछ ठीक है, बस वो कुछ मतलब थे जो हमने रिवाइज नहीं किए हुए थे, जो मतलब 7 to 17 लेक्चर्स में से नहीं थे, तो वो रिवाइज नहीं किए हुए थे आप। छोड़ो, अच्छा चलो जी, आप लोग कह रहे हो चार जी वो उसमें थे, एक डीएनए था, एक आरएनए था, एक जो है आप लोगों का एक और था जी प्यूरेंस वाला, अच्छा उसको एक साइड पे करते हैं, ये तीन एमसीक्यू हम साइड पे कर देते हैं, बाकी रह गए आप लोगों के पास 37। 37 में से आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ? वो 30 में से क्यों बच्चों के 20 है या 17 है या 16 है, उस पे किस पे गलती डालोगे आप लोग? तो काइंडली इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप लोगों को यहाँ तो समझ नहीं आ रही, या फिर आप लोगों ने पढ़ा नहीं, या फिर कोई और मसला है। अगर जो भी मसला है उसको इस बात को रिपीट करने के बजाय कि जी हमारे पिछले लेक्चर्स में से थे तीन चार, उसको छोड़ के आप लोग इस चीज पे आओ कि आप लोगों के बाकी जो थे, अच्छा चलो जी बाकी आप लोगों के सारे तो इसी में से थे ना जो आप लोगों ने पढ़े हुए, तो उसमें से क्या मसला आया? अगर आप लोगों को वो टॉपिक समझ नहीं आए, तो वो टॉपिक्स आप लोगों ने मुझे सारे जो हैं वो लिख के देने हैं, आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है अब इस लेक्चर के बाद, आप लोग ग्रुप में डिस्कस करो या कुछ भी करो, तो आप लोग जो है मुझे वो टॉपिक्स बताओगे जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम अपनी क्लासेस में उनको रिपीट करेंगे। ओके हाईएस्ट तो जो थे एक बच्ची के थे आई थिंक 38, अभी तक कुछ पेपर्स अभी रहते हैं, और लोएस्ट है 7। सो आप लोग इमेजिन कर सकते हो अपने अपने मार्क्स जो जो आप लोगों ने किया हुआ है अपने पेपर में, तो आप लोगों को आइडिया होगा। हाँ जी, आज का लेक्चर भी पढ़ते हैं, आज का लास्ट लेक्चर है आप लोगों का, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को वही, आप लोग मुझे टॉपिक्स बताओगे, हम उनको दोबारा से रिपीट करेंगे सबको, ठीक है? ताकि आप लोगों को जो भी मसले हैं वो मैं अपने एंड तक जो है उसको क्लियर कर ये कवर कर सकूँ, और जो है बाकी
ईद के बाद जो है, ईद के बाद वाले वीक में भी हमारी ये रिवीजन क्लास, उसके बाद हम अपना वाइवा का सिलेबस डिसाइड करेंगे, और वाइवा ईद के बाद ही वाइवा का सिलेबस डिसाइड करेंगे और वाइवा की डेट्स भी। इससे पहले एक आप लोगों की असाइनमेंट रह गई है, आप लोगों की असाइनमेंट मैं ऐड कर दूंगी, उसका टाइम लंबा ही रखूंगी ताकि आप लोग इजीली जो है उसको कर लो। तो आप लोगों की तीन असेसमेंट्स बेसिकली अब रह गई है, एक तो आप लोगों की असाइनमेंट है, एक जो है आप लोगों का वाइवा है, और एक आप लोगों का रिटन एग्जाम जो फाइनल होगा। मैम मुझे आपने क्लास एक्टिविटीज दी थी, वो भी मार्क थी। वो आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन में ऐड होंगे, ठीक है, जो आप लोगों की 5% क्लास पार्टिसिपेशन है ना, वो उसमें आएंगी। अब अगर उसने उस किसी ने वो नहीं कराई हुई तो फिर जो है वो उसकी अटेंडेंस की बेस पे सिर्फ मार्क्स लगेंगे, जो क्लास पार्टिसिपेशन की 2-2% जो है वो क्लास एक्टिविटीज पे की बेस पे लगेंगे। तो फिर जो है आप लोग, अगर किसी ने नहीं कराई तो उसके 0 लगेंगे क्लास पार्टिसिपेशन में भी, अगर कराई हुई है तो उसकी अच्छा बेस पे आपके वो 5% के मार्क्स लगेंगे। बाकी वो क्लास एक्टिविटीज आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में थी, मैंने आप लोगों को तब भी बताया था। आप लोगों की एक असाइनमेंट अभी रहती है, ठीक है, वो असाइनमेंट मैं ऐड कर दूंगी तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। बाकी हम जो है ईद के बाद वो एक तो रिवीजन क्लासेस आपके रखेंगे, जो जो टॉपिक्स आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और फिर जो है हम उसको जो है रिवाइज करेंगे, और उसको एटलीस्ट ये कुछ चीजें जो आप लोगों को बहुत याद होनी चाहिए वो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग इसको किस तरह से याद करो ताकि आप लोग अपने पेपर्स जो है पास आउट कर लो। और बाकी जो है हमारे बाद फिर वाइवाज आ जाएंगे और उसका रिटर्न एग्जाम फाइनल। स्टार्ट करें लेक्चर। मेरी आवाज आ रही हेलो, है तुम्हें? यस मैम, आ रही है। मैम, जी वो जो हमारे मिड में एंड पे टेक्निक्स थी ना, कुछ पीसीआर एंड फर्दर दो तीन और भी थी मैम, उसमें थोड़ा सा ना मसला था। मतलब वो थोड़ी सी डिटेल्ड भी हैं काफी, और थोड़ी सी हाँ जी, डिफिकल्ट भी लग क्या रही थी मसला था उसको? मैम। वो ना टेक्निक सारी बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्ड थी ना, तो उसमें वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा था एक दो और बच्चों को भी। नहीं, हाँ, तो अभी इसीलिए तो मैं बता रहा है आप लोगों को, आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कस कर लो, आप लोगों ने जो जो टॉपिक्स जो है रिवाइज कराने हैं, जो आप लोगों को सही समझ नहीं आई है उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जी वो हम मैम, रिपीट कर लेंगे। अगर टेक्निक्स टेक्निक्स भी हम रिपीट कर सकते हैं, या कोई भी इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो अगर है, तो आप लोगों को जो भी टॉपिक जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इसको सही से समझ नहीं रहे, तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अपने ठीक सारे है इन सब ग्रुप में से पूछ लेना, आप लोग जो मैम, भी इसी क्लास में या हम डिस्कस कर लो और नेक्स्ट क्लास में आपको बता दें। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में क्या बच्चों कह रहे थे, आप लोगों का भी एग्जाम है, 11 बजे पेपर है। मैम फ्राइडे को है हमारा 9:30 पे। नहीं तो आप लोगों का फ्राइडे को वो भी है, पेपर भी है, यस मैम, 9:30 पे पेपर है हमारा। कुछ का टाइमिंग चेंज होंगी। 11 बजे हमारा पेपर है पेपर है। नेक्स्ट फिर मैम, क्लास आपको में आप लोगों का नेक्स्ट पेपर ईयर होगा बात। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास तक मुझे वो टॉपिक्स बता देना सारे, ठीक है, लिस्ट ठीक है बना मैम, के हम ना ईमेल भेज डिस्कस कर देना। लेते हैं और फिर आपको ना ईमेल कर देंगे। हाँ जी, तो फिर ईद के बाद, क्योंकि उसके बाद तो फ्राइडे के बाद तो छुट्टियां हो जाएंगी ना,
तो फिर ईद के बाद जो है आप लोगों की वो रिवीजन क्लासेस में रखूंगी, और उसके साथ ही फिर हम जो है अपना वाइवा के सिलेबस भी कवर कर लेंगे, उसमें से कुछ टॉपिक्स मिसिंग हुए या वो भी डिसाइड कर लेंगे और उनको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है? और आप लोगों के वाइवा की डेट्स भी रख लेंगे। तो काइंडली बच्चों, आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग इसको क्लियर कर सको, ठीक है? बाकी आप अभी आप लोगों के पास 65% है, 65% जो है अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग उसको जो है क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बच्चे बहुत एवरेज पे हैं, बहुत एंड पे हैं, आई वॉन्ट टू मीट देम आफ्टर ये, हम मैं उनके मार्क्स लगाऊंगी, मैं उन बच्चों से मिलूंगी, मैं उनको बुलाऊंगी अपने ऑफिस में। क्या आप लोग मतलब क्या 7 मार्क्स कौन ले सकता है 40 में से भी? ये मतलब उनके साथ क्या मसला है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब क्या, मतलब क्यों नहीं पढ़ रहे वो लोग? तो आई मैम, वॉन्ट मिड्स टू चेक से हो गया क्या? मिड्स आपने चेक कर लिए? सी सेक्शन आप लोगों को ही चेक किए, और मुझे उस वक्त से दुख हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। खराब मैम, आपने हाईएस्ट कितने मार्क्स कराए हैं? हाईएस्ट अभी तक कितने दिए मार्क्स आपने? नहीं अच्छा, है, मैंने नहीं लिए बच्चों, आप लोगों ने लिए हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है? आप लोगों के हाईएस्ट आई थिंक सो कुछ पेपर अभी रहते हैं, ऐसे एक बंडल रहता है, दो मैंने चेक किए थे, मैक्सिमम 100 मैंने चेक कर लिए थे, तो हाईएस्ट उसमें से अभी तक 38 है और लोएस्ट 7 है। ओके मैम वो मैम, मिड मेरे के 4 से 8 MCQs थे आउट ऑफ सिलेबस में से। ठीक है, आप सही कह रही हैं कि बेसिक्स भी थे, लेकिन कुछ इस तरह के थे कि जब हमने रिवाइज नहीं किया हुआ था वो। अगर रिवीजन फ्री होती तो हम कर भी लेते, क्योंकि मेरे टोटल 4 MCQs चलिए बने आज का थे जिसमें टॉपिक से हम स्टार्ट 3 वो करते हैं हैं। जो आज उनके हमने अंदर। डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ना है। डीएनए रिपेयर आपकी आवाज नहीं हो रही, हाँ जी बच्चों, ये जो आप लोगों को लग रहा है कि 7 से 8 MCQ थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, मैं पेपर रिव्यू आप लोगों का रखूंगी जरूर, ठीक है? अभी मैं एक दफा सबके पेपर चेक कर लूँ, उसके बाद मैं पेपर रिव्यू रखूंगी आप लोगों का, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लेक्चर्स, कौन से MCQ आपके किस लेक्चर्स में से थे। आप लोगों का वो जो एक जो MCQ का इशू था जी, सोमेटिक सेल वाला, वो मैंने उसको वैसे ही कवर कर दिया था, क्योंकि उसमें दो ऑप्शंस ठीक थे, तो उन दोनों में से आप लोगों ने जो भी दोनों में से कोई लगाई हुई थी, तो वो मैंने ठीक कर दिया, उन दोनों का ठीक कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने ए लगाया हुआ था, मतलब ए जो बिल्कुल उसके ऑप्शन नहीं थे, या सी लगाया हुआ था, उनको तो मैं सही नहीं कर सकती ना, ठीक है? तो उन्हीं को सही करूंगी जो जिन्होंने जो सही किया हुआ है। बाकी जो लेकिन एमसीक्यू फर्स्ट 6 लेक्चर्स में से आए हुए थे एमसीक्यूज। बेटा, वही मैं कह रही हूँ, आई विल डिस्कस दैट कि आप लोगों के वो किस लेक्चर्स में से आए हुए थे, ठीक है? और आप लोगों ने वो कहाँ पे बाकी लेक्चर्स में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? एक चीजें होती हैं जो आप लोगों का एक स्पेसिफिक टॉपिक में पढ़ लेते हो, तो इसका ये मतलब नहीं वो सिर्फ उसी टॉपिक में है, आप लोगों ने वो चीजें बाद के टॉपिक्स में भी सारी पढ़ी हुई है। आप लोगों ने क्या पढ़ा नहीं हुआ प्यूरीन्स कौन से होते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ में सिंगल वो तो आरएनए कहाँ पे है, थे, वो आप पता लोगों इतना ने ये नहीं इशू पढ़ा तो ट्रांसफर आरएनए, जो उसकी हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी, ठीक है? तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की अगर वो लाइन या वो चीज और किसी और लेक्चर में डिस्कस हुई है तो वो सिर्फ उनमें नहीं थी, वो सिर्फ उन्हीं बेसिक टॉपिक्स में से थी। तो मैं आप मैम, लोगों जैसे को वहां पे बताऊंगी कैप का उन्होंने पूछा हुआ कि था कि 5 उस पे कैप का कौन सा मॉलिक्यूल लगता है, या फिर उन्होंने उसकी माइक्रो आरएनए का पूछा हुआ था। कैपिंग जो हमने पढ़ी हुई है, और मतलब ये भी पढ़ा हुआ कि उसमें क्या होता है F7 मिथाइलेटेड जो है,
मैम वो कहते हैं हमने पढ़ी हुई है लेकिन वो पिछले लेक्चर्स में थी, वो हमने रिवाइज नहीं और की ये हुई भी थी, वो हमने डिस्कस किया था, मैं नहीं। आपको जब भी कैप का बताती हूँ मैं आपको साथ ये बताती हूँ कि इस कैपिंग का पर्पस क्या है। तो क्या वो मतलब जो मैं बताती हूँ वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब हम लोग जो डिस्कस करते हैं लेक्चर में उसमें, और कैपिंग हमने हर लेक्चर में डिस्कस की हुई है कि इसके ये फायदे होते हैं, ये इसलिए ऐड होती है। तो अगले टॉपिक्स में से मैं भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो कहाँ कहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। मैम जो जी डीएनए वाला एमसीक्यू था मैम, वो भी आगे कहीं नहीं था, वो भी रिवाइज नहीं था हमें। मुझे इन सब में से बाकी सारे तो बिल्कुल नहीं लगते, जी डी एन ए वाला जी मुझे कुछ लग रहा है कि जी वो रटे वाला था। आगे डिस्कस हुआ होगा जरूर, मैं देखूंगी उसको। तो अगर जो है वो डिस्कस नहीं हुआ, जी डी एन ए जो है एक मुझे लगता है कि थोड़ा रटे वाला था, उसको फिर मैं एंड पे देखूंगी कि क्या करना है उसका। एक दफा मैं पेपर रिव्यू रखने वाला, हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। हाँ जी, जी डी एन ए वाला ठीक था एमसीक्यू, उसको क्या हुआ? नो मैम आप देख लीजिएगा प्लीज, उसे रिवाइज किए हुए भी महीना हो गया। मैम जो आउट ऑफ द सिलेबस है वो हमने ठीक कर दिए, जो सिलेबस वाले थे वो सारे गलत। हाँ जी मैम, मेरे तो जो भी गलत हुए हैं वो उसी में से हुए हैं जो पुराने आप आ गए थे। जो एमसीक्यू थे या 20 एमसीक्यू थे वो पिछले सिलेबस में से थे? नहीं मैम, 15 में तो 6-7 थे एमसीक्यू। 6-7 भी नहीं थे, आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा जो थे 3 थे, और वो भी बेसिक थे जी। क्या होता है, और जी ये एक जी डी एन ए वाला था, इसके अलावा कोई आउट ऑफ जो है जी आप लोगों को जो लग रहे जो पिछले से एक माइक्रो आरएनए वाला भी था। माइक्रो आरएनए हमने आगे भी पढ़ा हुआ है, जीन थेरेपी आपने पढ़ी थी, जीन थेरेपी में हमने माइक्रो आरएनए को डिस्कस किया हुआ है कि वो जीन की जो है ट्रांसलेशन को स्टॉप कराता है। क्या कर रहे हो आप लोग, पढ़ते क्या हो? मैम हमें कहा कि माइक्रो अरे में से, फिश में से, और फ्लिप्से में कुछ काफी सारे एमसीक्यूज आएंगे, हमने उन टॉपिक्स को पढ़ा था, उनमें से इतने एमसीक्यूज ही नहीं थे, एक सिर्फ फिश वो फ्लिप का एक एमसीक्यू आया हुआ था। इसमें भी एमसीक्यू थे, लेकिन मैं पहले आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ। यार ये जो आप लोग कह रहे हो जी आपके कोई 7-8 या पता नहीं 9-10 जो है पिछले सिलेबस में से थे, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सिर्फ एक एमसीक्यू जो मुझे लग रहा है बाकी वो रट्टे वाला था, या मतलब वो अगर आप लोग जीडीए ने हमने बाद में पढ़ा, लेकिन उसका ये नहीं पढ़ा होगा कि वो लेफ्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड, ठीक है। yes, तो वो थोड़ा सा समझ आ रहा है कि जी उसको थोड़ा सा कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी। उसका एक एमसीक्यू जो जिनका सही है तो वो तो मतलब ऐड ही है, जिनका सही नहीं था तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसका। बाकी मैं तो आप सबको जो है वो बताऊंगी कि वो कौन से लेक्चर्स में से थे, ताकि आप लोगों की ये जो गलत फहमी है आप लोगों ने माइंड में पाल लिए कि जी हमारा इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो पिछले लेक्चर्स में था। बेटा ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी चीजें हमने आगे पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मुझे इस चीज का हो रहा है दुख, शदीद दुख हो रहा है कि आप लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय आप लोग अपने टीचर पे ही कर रहे हो कि आपने जी सब कुछ गलत किया हुआ था तो हमारे इतने गंदे मार्क्स आ गए। भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप लोगों के 3 एमसीक्यू जी पिछले सिलेबस में से थे, या जो आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, उस 3 को छोड़ दो। आप लोगों के पास बाकी 37 एमसीक्यू थे, 37 एमसीक्यू में क्या किया आप लोगों? सोचने की बात है ना, सोचने की बात तो यही है कि आप लोगों ने उन 3 एमसीक्यू को छोड़ के बाकी 37 एमसीक्यू में क्या किया है। तो आप लोग फिर इस चीज को एक्सेप्ट करो कि यहाँ तो आप लोगों ने तैयारी सही नहीं की, या आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, या आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा। तो इनमें से जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है, जो भी आप लोग आइडेंटिफाई करते हो, काइंडली उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, क्योंकि इसको भी क्लियर करना उतना ही जरूरी है जितने आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक समझ नहीं आए तो अभी भी 65% वेटेज आप लोगों के पास है, आप लोग उनको आइडेंटिफाई करो, आप लोग उनको पढ़ लो दोबारा से, मेरे से एक दफा पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है अब कि आप लोगों का मसला क्या है, आप लोगों को समझ नहीं आई, आप लोगों ने पढ़ा नहीं सही, या आप लोगों का जो भी मसला आया है
आप लोग काइंडली उसको ओवरकम करो ताकि आप लोगों के जो फाइनल असेसमेंट्स हैं वो सही हो जाएं और आप लोग इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लो. एंड वाली ईमेल जो आप लोग करते हो उसमें उस पर 0% रिस्पॉन्स होता है मेरा, ठीक है? तो आप लोग अभी जो आप लोगों का टाइम है उसको अवेल करो और इसको अच्छे से पढ़ो. और इस चीज को भी मानने की कोशिश करो कि आप लोगों के अगर इतने खराब मार्क्स आए हैं तो वो क्यों आए हैं. आप लोग अपनी रीजंस आइडेंटिफाई करो काइंडली, और इस चीज को छोड़ के कि जी इतने पिछले सिलेबस में से थे तो वो हमारे इस वजह से गलत हो गए, इस चीज को सोचो भाई ये क्यों गलत आए हैं, हमने क्यों नहीं पढ़ा, हमें सही नहीं पढ़ा या हमें और पढ़ने की जरूरत थी. जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करो प्लीज. जो हमने आज का टॉपिक जो पढ़ना है इट्स अबाउट द डीएनए रिपेयर, ठीक है? जैसे हमने बात की थी प्रूफ रीडिंग की भी, प्रूफ रीडिंग भी बेसिकली जो डीएनए का है वो रिपेयर मैकेनिज्म है. प्रूफ रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जी प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि हम जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है प्री मैसेंजर आरएनए बनता है तो डीएनए का अपना मैकेनिज्म अपना सिस्टम है कि वो उसको दोबारा से रीड करता है, प्रूफ रीडिंग करता है. उसमें से कोई गलत मैच हो गया हो, मिस मैच हो गया हो, या कोई सही जगह पे नहीं है, या कोई डिलीटेड है, तो वो पहले ही उसकी ट्रांसलेशन से पहले ही उसको सही कर देता है. सो ये डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म है. तो इस डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म को ही हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की म्यूटेशन अपीयर होती हैं और किस तरह की जो है वो हमारा सेल जो है उसको रिपेयर कर सकता है. आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही? यस मैम. यस मैम. स्टार्ट तक नेट आ रहा है, शायद नेट का वर्क का इशू भी आ रहा है. मैम बिल्कुल ठीक आ रही है. आपको स्लाइड शो हो रही अब? मैम पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही. वही ना, आगे वाली स्लाइड शो नहीं हो रही. मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करती हूँ. नहीं हो रहा बच्चे, कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है इस वजह से वो आगे हो नहीं. अब शो हो रही है स्लाइड्स? यस मैम हो रही है. चलें तो हमें वही डीएनए रिपेयर के बारे में हमने पढ़ना. सो डीएनए डैमेज क्या है? इट्स अकर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, जो हम ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके दौरान हो सकती है, ट्रांसलेशन ड्यूरिंग हम रेप्लिकेशन जो भी डैमेज आता है उसको डीएनए डैमेज में कंसीडर करते हैं, और सेल के अंदर अपना मैकेनिज्म है जो इस डैमेज को ठीक कर सकते हैं किसी हद तक. मतलब ये नहीं कि वो 100% उस डैमेज को ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक्यूरेसी के साथ जो है, एक्यूरेसी के साथ डीएनए जो है अपनी जो मिसमैच है उसको ठीक कर सकता है. इट कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन एंड केमिकल्स. क्या हम डिफरेंट रेडिएशन के अंडर अगर जाते हैं, या अगर हम किसी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स के अंडर कोई काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम रेडिएशन से केमिकल को एक्सपोजर हमारा ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारे डीएनए जो है उसमें चेंज आ सकता है या उसमें कोई म्यूटेशन या एरर आ सकता है. तो डीएनए रिपेयर सिस्टम इज नॉट दैट मच एफिशिएंट. व्हाई? बिकॉज हमारी जो है एवोल्यूशन प्रोसेस है. एवोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है कि मतलब हम जिस तरह से चेंज है एक दूसरे के से, सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है? सारे चेंज हैं एक दूसरे से,
तो वो किस तरह से आता है? बेसिकली तो इनहेरिटेंस में ये सारी चीजें आती है ना, तो इनहेरिटेंस के बेस पे तो बाद में फिर हम सबको एक जैसे होना चाहिए था। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जो है वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म उसको सारे, मतलब ये नहीं कि सारा एग्जैक्ट ही आगे जो है इनहेरिटेंस जो है हर एक में एग्जैक्ट इनहेरिटेंस ही जाएगी। तो सेल में चेंजिंग्स जो नॉर्मल सेलुलर चेंजिंग्स है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, हमारा जेनेटिक जो इनहेरिटेंस जो ट्रैक है हमारा, वो उसमें चेंजिंग्स आती हैं बाय चांस जो है, कुछ जीन्स एक में चली जाती हैं, बाकी जीन्स जो दूसरे में चली जाती हैं। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, इसी वजह से हम सब एक दूसरे से चेंज है। तो ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये सेल रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू जो है उसको एग्जैक्ट नहीं करता, वो डिफरेंट ही रहता है। तो बाकी जो रिपेयर आते हैं या एरर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मिसमैच है, कोई बेस पेयर, थोड़े बेस पेयर्स का प्रॉब्लम आ रहा है या म्यूटेशंस आ रही हैं, तो उसको जो है सेल अपने लेवल पे जो है चेंज सही कर लेते हैं। तो डीएनए रिपेयर में जो है एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन और डैमेज टू डीएनए क्रिएट म्यूटेशंस। म्यूटेशंस की वजह से या तो सेल में एपोप्टोसिस की तरफ जा सकता है या फिर सेल जो है कैंसर की तरफ जा सकता है। Fortunately, DNA replication is amazingly accurate. Only 1 in 100 million bases is incorrectly incorporated. ठीक है, मतलब कोई 100 million bases में से कोई एक base pair जो है वो incorrect हो सकती है। This is due to the proofreading. ठीक है, हमारा जो है, हमारी जब replication होती है तो तब ही DNA जो है proofreading कर लेते हैं कि हमारी कोई base pair जो है वो गलत तो नहीं है, या उसका जो sequence है वो खराब है, या कोई mismatch हो गया है, तो सेल उसी वक्त जो है प्री रेप्लिकेशन में जो है उसी वक्त ठीक कर लेता है उसको। तो इस वजह से सेल के सिस्टम में डीएनए जो है बहुत कम बेसिस जो है वो इनकरेक्ट हो सकती है, म्यूटेशंस की तरफ जा सकते हैं सेल। मोस्ट एरर्स एंड डैमेज आर रिपेयर्ड, मोस्ट म्यूटेशंस अकर इन सोमेटिक सेल्स एंड डू नॉट इफेक्ट द फिनोटाइप। डीएनए रिपेयर में बेसिकली जो है डीएनए पॉलीमरेज़ और डीएनए डैमेज जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं जीन्स को। अब इस बात का क्या मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज़ एंड डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स जीन्स? अब जीन्स ही हमारी कोई भी चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है ना कि हमारी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस में क्या आएगा। तो अगर हमारी जीन्स में कोई म्यूटेशन आती है तो डीएनए पॉलीमरेज़ इस म्यूटेशन इंसान जो है वो उसको पोलीमराइज कर देगा, वो उसकी जगह पे गलत चीज लगा देगा। अगर कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई है तो हमारी इस तरह से एबनॉर्मल प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी डैमेज आता है डीएनए पोलीमराइज उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो पोलीमराइज करते हैं। मोर देन 50 डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऑल यूक्रोट्स कैन रिपेयर न्यूक्लियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन नॉट बी रिपेयर्ड इटसेल्फ। ठीक है, इस वजह से उसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशनल रेट होता है। मैकेनिज्म्स जो ऑल्टर करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर को वो कौन कौन से? बेस सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, मतलब जिस टाइम पे रेप्लिकेशन हो रही है या तो ये मैकेनिज्म हो सकता है उस टाइम बेस में जो है चेंज आ गई, मिसमैच हो गया या एरर आ गया है या गलत बेस पेयर लग गई या रिपीट हो गई है, तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एरर आ सकता है। या फिर बेस चेंज ड्यू टू केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ बेस, कि मतलब एक डीएनए बन गया है लेकिन उनकी जो स्टेबिलिटी थी, उनकी जो बॉन्डिंग थी वो प्रॉपर नहीं हुई, जिसकी वजह से बाद में वो जो है उनका उनकी बॉन्डिंग है वो टूट गई और इस वजह से म्यूटेशन आ गई। या फिर थर्ड मैकेनिज्म क्या हो सकता है? एक्शन ऑफ अदर केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे केमिकल ज्यादा हैं या रेडिएशन ज्यादा हैं तो उस वजह से भी हमारा जो है जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म जिनके थ्रू डीएनए जो है वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर, हम उसको रिपेयर किस तरह से करते हैं। तो देर आर टू मैकेनिज्म, कौन कौन से? लाइट इंड्यूस्ड रिपेयर एंड लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे। अब ये जो लाइट इंड्यूस्ड रिपेयर है उसमें फोटो रिएक्टिवेशन जरूरी होती है, मतलब सनलाइट जो है वो जरूरी होती है, उसके एक्सपोजर के बाद जो है वो अपने आप को सही कर सकते हैं। लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट जो है उसके लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर एरर आ रहा है तो वो उसको कहीं पे भी सही कर सकते हैं। अब इनमें से जो लाइट इंड्यूस्ड रिपेयर
एयर है ये ह्यूमंस में और ह्यूमंस में नहीं है, ये बाकी जो है प्लांट्स में है, बाकी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है लाइट इंड्यूस्ड पे, ठीक है, ह्यूमंस में नहीं है। ह्यूमंस में जो है लाइट इंडिपेंडेंट पाथवेज है। अब लाइट इंडिपेंडेंट पाथवेज में कौन कौन से हैं? एक्सीजन रिपेयर होता है, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर होता है, SOS रिपेयर है एंड मिसमैच रिपेयर। आगे हम इनको डिस्कस करते हैं कि चार मैकेनिज्म है जिनके थ्रू रिपेयर जो है वो डीएनए करता है अपनी कोई भी म्यूटेशन को। पहले फोटो रिएक्टिवेशन को डिस्कस करते हैं कि फोटो रिएक्टिवेशन क्या है। सो इसमें बेसिकली फोटो रिएक्टिवेशन में एक तो सनलाइट या लाइट का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इसमें जो इंजाइम्स होते हैं बेसिकली फोटोलाइजिस, फोटो का क्या मतलब होता है लाइट, और लाइजिस का क्या मतलब था जो किसी की ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं। तो ये एक तो फोटो लाइट से ही एक्टिवेट होंगे, सेकेंड ये होना बहुत फोटोलाइजिस जो है वो इंजाइम्स इनके लिए होने जरूरी है। सो इंजाइम्स कॉल्ड फोटोलाइजिस यूज लाइट एनर्जी टू ब्रेक द एक्स्ट्रा बॉन्ड्स इन अ पायरिमिडीन डाइमर। ठीक है, पायरिमिडीन जो है वैसे तो उनका डाइमर नहीं बनता ना, जैसे थायमिन थायमिन आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, और इस वजह से जो है वो इनमें गलत बॉन्ड बन जाता है, आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। डाइमर क्या होता है, दो एक जैसी चीजें जब मिल जाती हैं, अटैच हो जाती हैं एक दूसरे से, तो थायमिन पायरिमिडीन डाइमर बन सकता है। तो पायरिमिडीन डाइमर को जो है वो ये लाइट यूज करके तो उस की जो आपस में कनेक्शन है या बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर देते हैं। इनेबल्स अल्ट्रावायलेट डैमेज फंजाई टू रिकवर फ्रॉम एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, मतलब फंगस में ये होता है कि अगर उनमें अल्ट्रावायलेट डैमेज हो जाए जिसके वजह से उसके जीन्स में इफेक्ट आ जाए तो वो सनलाइट के एक्सपोजर से ठीक हो जाती है। ह्यूमंस डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ रिपेयर फोटो रिएक्टिवेशन। ये बेसिकली बताया गया किस तरह से फोटो रिएक्टिवेशन होती है। ठीक है, इंजाइमेटिक क्लीवेज है ऑफ थायमिन डाइमर, ये ऊपर अगर आप पिक्चर में देखो तो ये सीक्वेंस में दो थायमिन एक दूसरे से रिएक्ट करके मतलब उनके दरमियान बॉन्डिंग हो गई है। वैसे तो थायमिन एडेनिन के साथ अटैच होते हैं ना, तो थायमिन डाइमर क्या होता है कि दो थायमिन जो है वो एक दूसरे से मिलके डाइमर बना देते हैं। तो फोटो रिएक्टिवेशन इसको ठीक कैसे करेगी, इसमें जो इंजाइम्स है फोटोलाइजिस वो विजिबल लाइट के थ्रू एक्टिवेट होते हैं। इंजाइम्स जो है फर्स्ट बाइंड करते हैं इस थायमिन डाइमर को, उसके बाद लाइट एनर्जी को यूज करके ये जो टीटी इनका कनेक्शन है या इनकी जो बॉन्डिंग है बिटवीन टू थायमिन्स उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फोटोलाइजिस एंजाइम जो है रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे ही कोई रिपेयर हमारा म्यूटेशन आई, दो थायमिन डाइमर बने, फोटोलाइजिस जो है सनलाइट यूज करके एक्टिवेट होंगे और फिर वो जो है इनकी जो बॉन्डिंग है दो थायमिन की वो ब्रेक कर देंगे, और फिर जब थायमिन की आपस में बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो वो एडिनिन के साथ अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज अ फोटो रिएक्टिवेशन जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रही है, ये ह्यूमंस में नहीं होती। अब ह्यूमंस में हम डिस्कस करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट पाथवेज। सो फर्स्ट क्या है, एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन रिपेयर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी हमारा जहाँ पे ये ऐसे पायरिमिडीन डाइमर्स बन जाते हैं तो ह्यूमन सेल क्या करता है कि उसमें जो इंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इंजाइम्स उसको पहले उस उतने पार्ट को एक्साइज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फिर उस पार्ट की जगह पे पॉलीमरेज इंजाइम जो है वो सही जो है बेस पेयर्स उनको अटैच कर देते हैं। तो ये इस एक्सीजन से मतलब है एग्जिट से निकला है। ठीक है, कि मतलब वो उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं और फिर उसकी जगह पे नया रिप्लेस कर देते हैं। सो पायरिमिडीन डाइमर्स एंड सराउंडिंग बेसिस आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। इंजाइम्स कट द बॉन्ड बिटवीन द डीएनए शुगर एंड बेसिस एंड एक्साइज द पायरिमिडीन डाइमर्स। ठीक है, मतलब जो वहां पे भी डाइमर्स बने होंगे वहां से जो है एंजाइम साइड से उसका बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उतने पार्ट को रिमूव कर देंगे। ह्यूमंस हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सीजन रिपेयर। कौन कौन सी, न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक्सीजन रिपेयर तो है, आगे एक्सीजन रिपेयर की भी दो टाइप्स है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और बेस एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है कि मतलब अगर वो थोड़े बड़े लेवल पे जो है डाइमर्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो निकालना पड़ेगा। रिपेयर सम इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। रिपेयर सम रिप्लेस अप टू 30 बेसिस। इसमें 30 बेसिस तक जो है अगर वो डायमंड्स बनने या उनमें एरर आ जाए तो वो 30 बेसिस को जो है रिप्लेस कर सकता है। इट कुरेक्ट म्यूटेशन कॉज्ड बाय डिफरेंट इंसर्ट्स। इंसर्ट्स मतलब एरर्स,
या कोई भी फैक्टर्स जो डिफरेंट एरर्स कर सकते हैं उनको इंसल्ट कहते हैं, लाइक केमिकल्स हो गए या रेडिएशन हो गए. बेसिक सीजन रिपेयर जो है इसमें 1 to 5 बेसिस जो है वो रिप्लेस हो सकती हैं. न्यूक्लियोटाइड में 30 बेसिस जो है रिप्लेस हो सकती हैं, इसमें 1 to 5 बेसिस रिप्लेस हो सकती हैं. एंड इट इज स्पेसिफिक टू ऑक्सीडेटिव डैमेज. ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या सेल के अंदर जो है इंटरफेस कर देगा. एक्सीजन रिपेयर जो है वो मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, उन डैमेज को जो है साइड्स उनकी जो बॉन्डिंग है साइड्स वाली शुगर्स के साथ वो ब्रेक करेंगे और उसको एक्साइज कर देंगे और फिर रिप्लेस कर देंगे. दिस इज अ पिक्चर, ठीक है. ये जो है ऊपर वाली पिक्चर जो है डीएनए डैमेज दिखा रही है कि उसमें अल्ट्रा वाले डैमेज की वजह से सेल का एक जो स्ट्रैंड है उसमें आपस में ही बॉन्डिंग बन गई है, मतलब उसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ बॉन्डिंग के बजाय उसकी आपस में बॉन्डिंग बन गई है, डाइमर बन गए उसमें. तो इससे क्या करेगा, रिपेयर में एंजाइम्स जो है वो अटैच होंगे उस स्ट्रैंड के साथ और उतना जो पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे डैमेज आया और उसको रिमूव कर देंगे. फिर पॉलीमरेज एंजाइम जो है उतने पार्ट पे दोबारा से एग्जैक्ट या सही वाली जो बेसिस है अटैच कर देंगे. तो दिस इज द एक्सीजन रिपेयर. दिस इज शोइंग द सेम थिंग एक्सीजन रिपेयर. ये टीडी जो है ये डाइमर शो कर रहा है, इस पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, उतना पार्ट जो है आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर देंगे. इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या न्यूक्लियेसेस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो दो पार्ट को कट कर देंगे. हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, दो डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, अनवाइंड करता है, तो उतने पार्ट को वो रिमूव कर देगा. और फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है और लाइगेज एंजाइम इस स्टेप अगले स्टेप इन्वॉल्व होंगे. डीएनए पॉलीमरेज उतनी जो है बेसिस को दोबारा से वो बना देगा और लाइगेज एंजाइम उसको अटैच करवा देगा, इंसर्ट कर देगा उसके अंदर. सो दिस इज द एक्सीजन रिपेयर. इसकी समझ आ गई एक्सीजन रिपेयर? हाँ जी बच्चों समझ आ गई? यस मैम. नेक्स्ट है मिसमैच रिपेयर. मिसमैच रिपेयर में भी वही चीज है कि मतलब कोई गलत बेस पेयर लग गई या गलत जो सीक्वेंस आ गया है तो सेल उसको जो है मिसमैच रिपेयर के थ्रू कर लेता है. मिसमैच रिपेयर में क्या होता है, एंजाइम्स डिटेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स दैट डू नॉट बेस पेयर्स इन न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए. फॉर एग्जांपल जैसे प्रूफ रीडिंग में सेल करते हैं ना कि मतलब अगर कोई मिसमैच हो गया तो उसको उधर से रिमूव करके उसकी जगह पे एग्जैक्ट बेस पेयर लगा देते हैं. तो दिस इज अ मिसमैच रिपेयर. द इनकरेक्ट बेस इज एक्साइज्ड एंड रिप्लेस्ड. इट इज हाईली कंजर्व्ड बायोलॉजिकल पाथवे है, इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग जीनोम स्टेबिलिटी. ठीक है, आप सबको इसके इम्पोर्टेंस का आइडिया होगा कि जब हमारा प्री मैसेंजर आरएनए बनता है तो फिर सेल की प्रूफ रीडिंग की जाती है और प्रूफ रीडिंग के बाद अगर कोई भी एरर आ गया हो ड्यूरिंग दैट एप्लीकेशन तो वो उसको रिमूव कर देते हैं. तो इस तरह से अगर ये प्रोसेस ना हो तो वो म्यूटेशन आगे पास आउट हो जाएंगे, हमारे अगले जो बेबीज हैं उनमें चले जाएंगे और वो जेनेटिक डिसऑर्डर की फॉर्म में आएंगे. सेकेंड, ये मिसमैच रिपेयर जो है ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एरर्स की वजह से अगर जो एरर आते हैं ना मिसमैच होते हैं उसको सही करते हैं. तो मतलब जैसे डीएनए से आरएनए जब बन रहा है तो उसमें कोई एरर आया तो फिर मिसमैच रिपेयर होगा. जो हम अभी हमने पहले पढ़ा एक्सीजन रिपेयर, उसमें बाकी फैक्टर्स की वजह से अगर कोई एरर आया, मतलब अगर कोई रेडिएशन आई है उसने डीएनए डैमेज कर दिया या कोई और केमिकल्स हैं उसकी वजह से डैमेज आया तो फिर एक्सीजन रिपेयर होता है, ठीक है. लेकिन अगर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आया तो फिर मिसमैच रिपेयर के थ्रू सही किया जाता है. इट इज मेनली टू रिपेयर बेस टू बेस मिसमैचेस एंड इंसर्शन डिलीशन ऑफ बेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. इनएक्टिव मिसमैच रिपेयर विल कॉज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. अगर मिसमैच रिपेयर सही ना हो सेल का सिस्टम ये तो ये म्यूटेशन की तरफ ले जाएगा और मिसमैच रिपेयर सही ना होने की वजह से
म्यूरोजेनेसिस और ट्यूमर जेनेसिस हो सकती है, मतलब कैंसर की तरफ चले जाते हैं। ये डिफरेंट, ये मिसमैच रिपेयर की एग्जांपल है कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल ये इनकरेक्ट बेस पेयर एक शो की गई है, ठीक है, कि मतलब वो सही बॉन्डिंग नहीं बनी, गलत जो है वो अटैच हो गई है। उसके बाद उसमें एंडोन्यूक्लियस इन्वॉल्व एक्ट करेंगे और उतने पार्ट को रिमूव कर कट कर देंगे बाकी सबसे। उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस उस पार्ट को जो है रिमूव कर देंगे वहां से। फिर पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा और पॉलीमरेज एंजाइम उतना पार्ट दोबारा से सिंथेसाइज करेगा विद द करेक्ट ऑर्डर। फिर लाइगेज एंजाइम जो है उसको उस पार्ट में इंसर्ट कर देगा। तो दिस इज द मिसमैच रिपेयर। एक्सिजन रिपेयर भी सेम है, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो थ्रू आउट द लाइफ एक्ट करते हैं, और ये जो है ये भी थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन ये सिर्फ रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर्स आती हैं उसमें मिसमैच रिपेयर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। अब रिकॉम्बिनेशन रिपेयर थोड़ा सा डिफरेंट है। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में क्या होता है कि इसमें जब बड़े लेवल पे, ज्यादा लेवल पे डाइमर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर उस उतने पार्ट को सारे को रिमूव कर देते हैं और वो सेल दोबारा से जो है पॉलीमरेज एंजाइम नहीं बनाता, बल्कि उस पार्ट पे जितना पार्ट रिमूव हुआ है वो होमोलोगस स्ट्रैंड जो है, बाकी जो स्ट्रैंड था उसका होमोलोगस पार्ट आके वहां पे अटैच हो जाता है। सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का रिकम्बाइन मतलब हो रहा है ना, तो इस तरह से एक पार्ट जो है रिमूव होकर दूसरे पार्ट की जगह पे लग जाता है, इस वजह से इसको रिकॉम्बिनेशन रिपेयर कहा गया है। थायमिन डाइमर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर सो दैट इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय एक्सिजन रिपेयर। अनदर मैकेनिज्म फॉर अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड थायमिन डाइमर रिमूवल इज द रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। इसमें जो है एक जीन इन्वॉल्व है, रेक ए जीन इज इन्वॉल्व। During replication, thymine dimer cause distortion. Adenine will be added and removed continuously. ठीक है, मतलब adenine जो है वो add नहीं हो पाती, thymine जो है वो एक दूसरे से ही bond बनाते रहते हैं। Thymine dimers will be excised and gap will not be filled. So daughter strand will be fragmented one. ठीक है, मतलब जो thymine dimer जहाँ पे है उसको excise कर दिया जाता है, remove कर देते हैं, लेकिन gap जो है वो fill नहीं होता polymerase enzyme से, क्योंकि ये बड़े लेवल पे जो है म्यूटेशन है। तो इससे क्या हो, इसको ओवरकम करने के लिए इट कैन ओवरकम बाय रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म कॉल्ड सिस्टर स्ट्रैंड एक्सचेंज। मतलब जहां पे उसका होमोलोगस पार्ट है वो वहां से डिटैच होकर वहां पे आके अटैच हो जाता है। गुड स्ट्रैंड फ्रॉम अ होमोलोगस डीएनए इज एक्साइज्ड एंड यूज्ड टू फिल द गैप। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए पॉलीमरेज वन एंड लाइगेज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। As a strand is not synthesized newly to remove the gap, it is less time consuming and hence much more important. As it occurs after replication, it is called as post-replication repair. Another name is daughter strand gap repair. ये पिक्चर से शो हो रहा है, ठीक है, मतलब दो स्ट्रैंड जब बन रहे होते हैं, रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो अगर एक स्ट्रैंड में डायमर्स बन जाते हैं बड़े लेवल पे तो वहां पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है और उस पार्ट को जो है रिमूव कर देते हैं एंजाइम्स के थ्रू, और फिर जितना पार्ट रिमूव हुआ है उस जगह पे सिस्टर जो होमोलोगस स्ट्रैंड है उसका पार्ट रिमूव करके उस जगह पे लगा दिया। नेक्स्ट है एसओएस रिपेयर। एसओएस रिपेयर में क्या होता है कि जहां पे जब डीएनए डैमेज हो जाए तो सेल साइकिल अरेस्ट कर दिया जाता है, मतलब सेल साइकिल को स्टॉप कर दिया जाता है और फिर जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म होता है। बाकी जितने एरर्स रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें सेल साइकिल स्टॉप नहीं होता, एसओएस रिपेयर में सेल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है। ग्लोबल रिस्पांस टू डीएनए डैमेज इन विच द सेल साइकिल इज अरेस्टेड एंड डीएनए रिपेयर एंड म्यूटाजेनेसिस आर इंड्यूस्ड। फंक्शनल रेके जीन इज नीडेड। इसमें भी रेके जीन इन्वॉल्व है। रेके प्रोटीन बाइंड्स टू द एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट बाइंड्स एट डिस्टॉर्शन। ठीक है, मतलब जहां पे खराबी है वहां पे जाके ये प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं और फिर उसको सही करती हैं। अब इसके बारे में तीन मैकेनिज्म है, हाइपोथेसिस है कि ये इस तरह से हो सकता है। कौन कौन से, कि इट फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ रेक ए टू द स्मॉल डिस्टॉर्शन। रेक ए जो जीन है वो पहले तो डिस्टॉर्शन जहाँ पे म्यूटेशन आई है वहां पे जाके अटैच होता है। देन इट फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज टू द डिस्टॉर्शन, फिर वो उस जगह पे पॉलीमरेज एंजाइम अटैच कराता है एंड देन इनेबल रिलीज ऑफ पॉलीमरेज, और फिर जो है पॉलीमरेज एंजाइम के आफ्टर रिपेयर उसको वहां से रिलीज कर देता है।
So this is a SOST pair. Next slide is showing the summary of DNA damage. कि डीएनए एरर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो है ब्रेक हो जाए, या सिंगल. मैम आपकी आवाज कट रही है. बेटा ये डिफरेंट एरर्स दिखाए गए हैं कि किस किस तरह के एरर्स शो हो सकते हैं. आप सही आ रही है? Yes, तो मैं बता रही थी या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक हो सकता है, दोनों स्ट्रैंड्स में ब्रेक आ सकते हैं, या सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो सकता है, या थायमिडीन डाइमर बन सकते हैं, या प्यूरीन और पाइरिमिडीन अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, या फिर जो है हमारा मिसमैच हो सकता है कि और बेस ने अटैच होना था तो दूसरी बेस पे अटैच हो गई है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बजाय कोवेलेंट बॉन्डिंग दो बेसिस के दरमियान हो सकती है, या फिर जो बिल्कुल अलहदा जो है जो बेस सब सिचुएशन है वो आके अटैच हो सकता है, या कोई एक बेस जो है वो एब्सेंट हो सकती है, मतलब वो अटैच ही नहीं हो गई. सो दिस इज द समरी ऑफ डिफरेंट एरर्स जो कि शो अपीयर हो सकते हैं. बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स में ब्रेक ड्यू टू एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज. क्रोमोसोम ब्रेकेज कैन कॉज कैंसर. एट लीस्ट टू टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रीसील शुगर फॉस्फेट बैकबोन. By rejoining the broken ends or recombining the DNA are infected homologous part. Another type of DNA repair called damage tolerance. ठीक है, बाकी तो ये repair mechanism थे. Damage tolerance क्या होता है कि अगर बहुत थोड़े level पर जो है error आ जाए तो cell उसके साथ ही survive कर लेता है without any change. ठीक है, तो इसको damage tolerance कहते हैं. This is showing the summary कि हम किस तरह की जो है एरर्स आए तो किस तरह के जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो यूज होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा एक तरह का जो एरर आएगा तो किस तरह का जो रिपेयर मैकेनिज्म सेल चूज करेगा. फॉर एग्जांपल अगर बहुत स्मॉल एरर्स हैं तो जो अभी हमने बात की डैमेज टॉलरेंस के सेल उसके साथ ही सर्वाइव कर लेता है. तो बहुत स्मॉल एरर हो तो डैमेज टॉलरेंस आ जाता है, सेल उसी डैमेज के साथ ही टॉलरेट कर लेता है. अगर रेप्लिकेशन एरर्स आए, रेप्लिकेशन एरर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए तो उसमें एरर्स आए तो फिर मिसमैच रिपेयर यूज होता है. अगर अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर हो, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर और हमारा डीएनए डैमेज हो जाए तो सेल फिर एक्सीजन रिपेयर करता है. एक्सीजन रिपेयर में फिर आगे दो तरह के न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस रिपेयर. अगर अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर हो तो ह्यूमंस में नहीं बाकी सब में फोटो रिएक्टिवेशन यूज होती है. और आयोनाइजिंग रेडिएशन या ऑक्सीडेटिव डैमेज हो और ब्रेक हो जाए, दोनों स्ट्रैंड्स ब्रेक हो जाए, कोई या कोई स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो भी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर यूज किया जाता है. सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एरर्स और उसके साथ रिपेयर मैकेनिज्म कौन से यूज करेंगे. सो कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बच्चों कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम कोई क्वेश्चन नहीं है. टॉपिक समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, टॉपिक समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. अच्छा, आप लोग बाकी भी अपने जो भी टॉपिक्स हैं अब नेक्स्ट जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर लो कि आप लोगों को कौन से टॉपिक मुश्किल लगे हैं या कौन से आप लोग रिवाइज करना चाह रहे हो. ठीक है, तो वो आप लोग मुझे उस ग्रुप में अपने ग्रुप में डिस्कस करके तो लिस्ट बना लो उसकी और मुझे ईमेल कर देना. नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि आप लोगों का फिर वो है पेपर है तो फिर आप लोग पेपर अपना अटेम्प्ट करना और अगर पेपर 11 बजे तो फिर तैयारी कर लेना. ठीक है, तो फिर हम वो जो आप लोगों की है क्लासेस हैं जो रिवीजन क्लासेस हैं वो ईद के बाद वाले जो वीक है उसमें रखेंगे. मैम ईद के बाद वाइवा से पहले कितना गैप होगा?
बेटा आगे वाइवा की डेट जो है ना वो हम लोगों ने खुद जो है रखनी है, मतलब हमने मतलब मैम फाइनल से पहले प्रॉपर कभी डेट डिसाइड शीट करनी नहीं है। उसकी बनेगी? डेट शीट, उसकी डेट शीट नहीं आएगी, आपका रिसोर्स पर्सन आपको बताएगा, ठीक है। तो ठीक इसलिए ईद के बाद जो है ना, नेक्स्ट ईद के बाद जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक तो सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे वाइवा का, और डेट्स भी डिस्कस कर लेंगे कि हमने किस डेट को जो है वाइवा रखा है, ओके ठीक है। मैम। तो काइंडली आप लोगों की जो बाकी असेसमेंट्स हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना, ताकि आप लोगों के अच्छे जो है वो ग्रेड्स बन जाए थोड़े, और आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर सको। इसके लिए आप लोगों को मेरे एंड से जितनी भी हेल्प की जरूरत है, आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग वो मेरे से ले सकते हैं। ओके मैम, ओके मैम, चलें ठीक है। फिर आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जो जो रह गए पेपर उसको अच्छे से करना। और अब अपने जो है, अब ये टाइम है, आपका पीक टाइम आ गया पढ़ने वाला, तो अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से लेके चलो, क्योंकि अब बाकी आपका मेजर असेसमेंट ही रह गए। आपका वाइवा है वो भी 20% का होगा, आपका बाकी जो है रिटन एग्जाम 35-40 का होगा। तो सारी चीजें जो है अब आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए जरूरी है, तो इस सब्जेक्ट को भी जरूर पढ़ो, ताकि आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।